और मुझे नहीं लगता कि हुकूमत ईदगाह खोलने की इजाज़त देगी, क्योंकि एपिडेमिक एक्ट लागू है, एनडीएमए का एक्ट लागू है, इसलिए हमको अपने मुकामी मसाजिद में ही शायद नमाज पढ़ना पड़ेगा। ये हुकूमत का क्या फैसला आता है देखना पड़ेगा। और एक अहम बात, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से पिछले 8 दिन 10 दिन पहले से हम लोग जितने खसाब हैं जो गोश्त का कारोबार करते हैं और बकरीद में जानवर की सफाई करते हैं हमारी कुर्बानी के बाद, उनका भी हमने टेस्ट करवाया। तो आपसे भी मैं गुजारिश करूंगा कुरैश बरादरी के जिम्मेदारों से कि वो अपने तमाम जिम्मेदारों को लेकर यहाँ पर टेस्टिंग करवाइए, क्योंकि जब अगर कोई जानवर की कुर्बानी देंगे तो खसाब को जो वहाँ पर जाकर जानवर को साफ करेंगे, उसका चमड़ा साफ करेंगे, उनको भी सेहतमंद होना ज़रूरी है। खुदा ना खास्ता अगर उनको नहीं मालूम और उनको वायरस है, तो उससे ना सिर्फ उनको बल्कि उनके अफराद ख़ानदान को, जहाँ पर जिस घर में जाएंगे वो, उनको भी वायरस लग सकता है। इसलिए पूरी एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करिए।